आज हमने यूक्लिड्स थ्योरम पढ़ना है। यूक्लिड्स थ्योरम को हम ड्वीन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। नंबर थ्योरी की ये कह लें कि एक बेसिक रिजल्ट है जो आपकी पूरी नंबर थ्योरी में यूज़ होगा। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। ए और बी हमारे पास कोई से भी दो इंटीजर्स हैं और जो ए वाला नंबर है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव भी नहीं है और ज़ीरो भी नहीं है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। हमारे पास जो क्यू और आर इंटीजर्स हमने तलाश करने हैं वो इस तरीके से तलाश करने हैं कि वो यूनिक होने चाहिए, कि इनके अलावा आपको कोई दूसरे इंटीजर्स नहीं मिलेंगे, ये यूनिक होने चाहिए। सच दैट इस तरीके से कि बी लिखा जा सकता है ए इंटू क्यू प्लस आर, वेयर जो आर है इस ये ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा हो सकता है लेकिन ए से छोटा होगा। आर को यहाँ पर हम रिमाइंडर भी बोलते हैं जी। तो हमने स्टार्ट करना है इसका प्रूफ, लेकिन प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये ड्वीन एल्गोरिथम चूँकि खाली एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको लग रहा होगा कि ये कोई अजीब सी चीज़ आ गई है हमारे सामने जिसको हमें नए सिरे से पढ़ना है या नए सिरे से करना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है जो आप बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मसलन आपको यहाँ पर कहा गया है दो इंटीजर्स होने चाहिए आपके पास ए और बी, तो ए एक इंटीजर जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो फ़र्ज़ कर लें आपके पास, मैं कहता हूँ जो ए इंटीजर है वो हम 5 ले लेते हैं और क्लियरली ये पॉजिटिव है, और बी को इस वक्त मैं लेना चाह रहा हूँ 17 ले लेता हूँ बी को। तो हमने स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है इन दो इंटीजर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे, एक को नाम दिया हुआ हमने क्यू का और एक को नाम दिया हुआ हमने आर का। मैंने जैसा कि बता दिया आपको आर यहाँ पर कहलाता है रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर वही रिमाइंडर है जो आप आम इंटीजर्स को डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर फाइंड करते हैं, एक रिमाइंडर एक क्वेश्चन। सेम यहाँ पर भी जो इंटीजर क्यू है ये क्वेश्चन होता है और जो इंटीजर आर है ये रिमाइंडर होता है। तो ये वही चीज़ है जो हम यहाँ पर बचपन से करते आ रहे हैं। आप बी को ए पे डिवाइड करें तो क्या होगा भला, अगर आपने बी को डिवाइड करना है ए पर तो क्या करना भला जी। बी को हमने चूंकि ए पे डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, बी है हमारे पास 17, ए है हमारे पास 5, डिवाइड करते हैं हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 3 15। उसके बाद आपको पता आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, कर दें सब्ट्रैक्ट तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2। फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि जो 2 है वो 5 से छोटा हो गया हुआ, तो अब मजीद डिवाइड हम करेंगे नहीं, लिहाजा हमारे पास क्या होता है भला, ये कोशेंट है क्यू, ये रिमाइंडर है जिसको आर का नाम दिया हुआ हमने, ये वही आपका बी है और ये वही आपका ए है। और देखिए क्या बी को लिखा जा सकता है ए क्यू प्लस आर के बराबर, तो देखें जी आप 17 को लिख सकते हैं ए, ए मतलब 5 इंटू क्यू, क्यू मतलब 3, 5 3 15 प्लस क्या ऐड करना पड़ेगा 15 में, क्या 17 बन जाए 2 एंड डैट इज़ द रिमाइंडर, यानी कि बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर के बराबर आप इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी देखें कि जो आर है यानी कि जो 2 है ये जो कि 2 है आर ये 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन डिवाइज़र यानी कि डिवाइज़र था हमारे पास 5 यानी कि ए से ये क्या है स्मॉल है। अगर आप ए का उसने पॉजिटिव कहा था ज़रूरी है, अगर आप बी की जगह कोई नेगेटिव भी ले लें तब भी ठीक है। क्या होगा अगर आप बी की जगह यानी कि अगर आप ए को फ़र्ज़ कर ले 5 ले लिया हुआ और बी को अगर आप लेना चाह रहे हैं -19 तो क्या करना है, बी नेगेटिव भी तो हो सकता है, लेकिन इस केस में भी आपने अब -19 को डिवाइड करना है 5 पर, किससे करेंगे जी मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में, मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, जैसे हमने पहले किससे मल्टीप्लाई किया था, चले फ़र्ज़ कर लें -17 ही है, -17 है हमारे पास, इसको हमने डिवाइड करना है 5 पर, तो पहले हमने 17 था तो 5 को किससे किया था मल्टीप्लाई, 3 से, 15 बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो -22 बन जाएगा। ऐसे तो हमारी डिवीजन का प्रोसेस उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, हमें क्या करना चाहिए, हमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बजाय इसे -4 से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस मैं ये भी बताता चलूँ -3 से भी नहीं, अगर आपको लग रहा है कि -3 से मल्टीप्लाई करना है तो वो भी नहीं, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा
और फिर साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस टू बन जाएगा, ये नेगेटिव आ गया। हमने जब कहा, जबकि कहा कि जो रिमाइंडर है वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए लेकिन डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, ये डिवाइजर है हमारे पास, डिवाइजर से छोटा तो है लेकिन ये जीरो से बड़ा नहीं है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस फोर से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ताकि यहाँ पर आ जाए माइनस ट्वेंटी। अब हम साइन चेंज करें तो क्या आ जाए यहाँ पर, थ्री। और देखिए ये वो नंबर आ गया आपके पास जो कि रिमाइंडर होगा, जो पॉजिटिव है यानी जीरो या जीरो से बड़ा है लेकिन डिवाइजर से छोटा है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं माइनस सेवनटीन को डिवाइजर फाइव मल्टीप्लाई बाय कोशेंट माइनस फोर, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ट्वेंटी हो जाएगा और डेफिनेटली इसमें थ्री ऐड करने से ये माइनस सेवनटीन बन जाएगा। तो ये वही चीज़ बन गई, बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर के, और आर यहाँ पर फिर से जीरो या जीरो से बड़ा है लेकिन ए से लेस है। जी स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। आपको मैंने बता दिया हुआ है कि ये कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन इतना भी मुश्किल काम नहीं है कि हमें ये समझना है, थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। ये प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैंने बनाना है एक सेट, मैंने डिफाइन करना है एक सेट, लेट ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से रखने हैं, मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स रखने हैं बी माइनस ए एक्स, सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जी, सो डैट बी माइनस ए एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जी ए के अंदर मैंने किस तरह के एलिमेंट्स रखने हैं, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी बी माइनस ए एक्स, एक्स मैंने कहाँ से लेना है, इंटीजर से, सारे इंटीजर्स नहीं ले लेने, मैंने सारे इंटीजर नहीं लेने, मैंने वो वाले इंटीजर्स लेने हैं जिसको मैं इसमें पुट करूँ, तो डेफिनेटली ये फिक्स है, बी फिक्स है, ए फिक्स है, ये फिक्स क्यों है, ये गिवन है। एक्स मैंने खुद यहाँ पर सेट बिल्डर के तौर पर यूज़ किया हुआ है, तो ये इंटीजर से मैंने जेड से लेना है, तो ये इंटीजर होगा, कौन सा वाला इंटीजर होगा, सारे इंटीजर नहीं होने, अगर तो मैं ये अगली बात ना लिखता तो इसका मतलब ये है कि मैंने सारे इंटीजर्स को पुट कर देना था इसमें, लेकिन अब मैंने सारे इंटीजर्स को पुट नहीं करना, मैंने वो वाले इंटीजर लेने हैं यानी एक्स बिलोंग्स टू जेड, सो डैट ये जो चीज़ है, ये जो क्वांटिटी है बी माइनस ए एक्स, ये क्या रहे, जीरो रहे या जीरो से बड़ी रहे, जीरो से छोटी ये क्वांटिटी ना रहे। यानी मैंने इस सेट के अंदर थोड़ा सा मुश्किल काम है, तमाम इंटीजर्स को पुट नहीं करना एक्स की जगह, मैंने वो वाले इंटीजर्स ढूंढ के इसमें पुट करने हैं जिसको इसमें पुट करने के बाद इस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है ये जीरो आ जाए या जीरो से बड़ी हो जाए, जीरो से छोटी अगर ये क्वांटिटी आए किसी ऐसे नंबर को पुट करने से, तो मैंने वो नंबर इसमें पुट नहीं करना है। साइड ए के अंदर मैंने ये नंबर तो लेने हैं, एक्स इंटीजर लेना है, लेकिन इनको हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा रखना है। आसान अल्फाज में मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक्स वो इंटीजर पुट करना है जिसको इसमें पुट करके इस चीज़ का जो आंसर है ये जीरो बने या जीरो से बड़ा। प्रूफ करने का तरीका कर ये होगा, सबसे पहले ये जो मैंने सेट बनाया है इसको मैं साबित करूंगा कि ये नॉन एम्प्टी है, इसमें कुछ ना कुछ लाजमन पड़ा होगा। अब अगर इसके अंदर कुछ ना कुछ लाजमी पड़ा हुआ है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट बन जाएगा, किसका, द सेट ऑफ होल नंबर्स का, डब्ल्यू का, क्योंकि इसमें जीरो भी है और जीरो के पता नहीं जीरो है कि नहीं, आई डोंट नो, जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, यानी पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं, जीरो से छोटा नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये W का सेट ऑफ होल नंबर्स W का सबसेट है, तो जाहरी सी बात है कि अगर W का ये सबसेट है तो इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट लाजमी मिल जाएगा हमें। ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको मैं R का नाम दे दूंगा, ठीक है जी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को मैंने R का नाम दे दिया। अब वो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो बेसिकली बना किससे है, वो किससे बना है जी, वो एक खास इंटीजर, क्योंकि मैंने नंबर कैसे बनाने वाला, इसमें एक्स पुट करने, एक्स कहाँ से लेने वाला, इंटीजर से लेना है, तो वो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो भी डेफिनेटली यहाँ से कोई इंटीग्रल वैल्यू मैं इसमें पुट करके बनाऊंगा ना, तो उस वैल्यू को मैं क्या नाम दे दूंगा, क्यू का नाम दे दूंगा। ऐसे मुझे मिल जाएगा आर और क्यू, और उसके बाद मैं उस इन दोनों की यूनिकनेस भी शो कर दूंगा, और यूनिकनेस बल्कि शो करने से पहले मैं इस चीज़ को शो करूंगा कि जो आर वाला एलिमेंट है ये जीरो या जीरो से बड़ा है लेकिन ए से लेस है, ये बात साबित करेंगे, फिर इसकी यूनिकनेस साबित कर देंगे दोनों की, क्यू की भी और आर की भी, और यू हमारा थ्योरम जो है वो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। चलें जी, सबसे पहले हमने, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमने क्या करना वाला, ये सेट जो है ये इसको प्रूव करना है कि ये नॉन एम्प्टी है। लो जी, ए इज नॉन एम्प्टी, मैं लिखने जा रहा हूँ
लेट एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव बी का मोड. बी कौन सा नंबर है? बी वही नंबर है जो यहाँ पर यूज हो रहा है, नेगेटिव बी का मोड. अच्छा, बी का मोड जो लूँगा तो अब ये जो नंबर है बी, ये जैसा भी है, नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है ये इंटीजर, उसका मोड भी क्या होगा? एक इंटीजर. उसको मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी ये क्या होगा? तो भी ये इंटीजर होगा. यानी ये मैंने एक्स, ये जो मैंने एक्स की ये वाली जो वैल्यू ली है ये इंटीजर से ली है. मुझे एक्स सेट ऑफ इंटीजर से चाहिए था तो मैंने ले लिया, ये भी इंटीजर ही है. बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है. एक्स की इस वैल्यू के लिए ये इंटीग्रल वैल्यू, यानी मैंने इस वक्त एक्स को पकड़ा हुआ जेड से, तो एक्स की इस वैल्यू के लिए मैं ये साबित करूंगा कि बी माइनस ए एक्स, ये जो नंबर बनता है ये नंबर जीरो है या जीरो से बड़ा है, ताकि ये साबित हो जाए कि ये एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं माइनस ए से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, माइनस ए एक्स बन जाएगा. इधर माइनस ए से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, पॉजिटिव हो जाएगा और आ जाएगा मेरे पास ए टाइम बी. थोड़ा सा गौर करते हैं इस नंबर के बारे में. ये ए क्या था? एक पॉजिटिव नंबर था. ये क्या मौजूद है आपके पास? बी का मोड. बी नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, इसका मोड तो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा. ये पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर. इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा उसके बारे में क्या ख्याल है? होगा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है. लेकिन चूंकि ए भी पॉजिटिव है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये जीरो सॉरी बी के मोड से बराबर होगा इसके या इससे बड़ा होगा. यानी ये जो नंबर है ये बी के मोड से ग्रेटर है या इक्वल है. इक्वल क्यों हो सकता है? हो सकता है कि वैल्यू वन हो, इन इस सूरत में ये बराबर हो जाएंगे. बड़ा कब होगा? ये पॉजिटिव था और अगर ये वन से बड़ा हो गया, पॉजिटिव नंबर वन से शुरू होंगे ना, वन इंटीजर की बात करें, वन या वन से बड़े, तो अगर ए वन से बड़ा हो गया तो उस सूरत में ये जो प्रोडक्ट है ये फिर बी के मोड से बढ़ जाएगा. तो अल्टीमेटली ए टाइम बी का मोड जो है वो बी के मोड से ग्रेटर है या इक्वल है. चलिए जी, अब देखते हैं. ये है बी का मोड और अगर मैं इधर लिख दूं बी, इधर अगर मैं लिख दूं बी, बी नहीं बल्कि माइनस बी, तो क्या ख्याल है आपका? बी नेगेटिव है चाहे है ये पॉजिटिव? अगर बी नेगेटिव है तो नेगेटिव बी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर बी पॉजिटिव है तो नेगेटिव बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. दोनों सूरतों में ये जो नंबर है बी का मोड, मोड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लिहाजा मैं कह सकता हूं कि मोड ऑफ बी जो है ये नेगेटिव बी से ग्रेटर है या इक्वल है. क्योंकि इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू तो इक्वल नहीं है. न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू दोनों की इक्वल है. लेकिन ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जबकि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहना. अगर ये भी पॉजिटिव है तो दोनों बराबर है, और अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये वाला नंबर इससे बढ़ जाएगा क्योंकि ये इसका मोड लिया हुआ हमने. तो आपने देखा, मैं इसको भी स्किप कर दूं, इसको भी स्किप कर दूं, तो क्या बात बन जाएगी भला? माइनस ए एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस बी. ये चीज बन जाएगी, माइनस ए एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस बी. हम इन दोनों को बीच में से इग्नोर कर देते हैं तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास. और अब जी कहानी खत्म हो गई. माइनस ए एक्स, इस नंबर को इधर लाके मैं ऐड कर देता हूं, ये बन जाएगा बी माइनस ए एक्स डेट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. तो आपने देखा ये जो नंबर बना है ये एक्स की किस वैल्यू के लिए बना है? वेयर, मैं लिख देता हूं वेयर एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव बी का मोड और ये इंटीजर से था. यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी का मोड जो है ये इंटीग्रल वैल्यू है. मैंने एक्स की जगह ये नंबर लिया, इस नंबर को मैंने इसकी जगह पुट किया, तो इस चीज को सिंप्लीफाई किया वो ये बना, और उसको मैं साबित कर चुका हूं कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है. डेफिनेटली सेट ए के अंदर मैंने वही एलिमेंट्स रखने थे जो जीरो या जीरो से बड़े हैं. एक्स की इस वैल्यू के लिए ये जो क्वांटिटी बनती है, एक्सप्रेशन बनती है, इसका आंसर जो है ये जीरो या जीरो से बड़ा है. साबित हो चुका है कि हमारे पास जो सेट ए है ये नॉन एम्प्टी है. ए नॉन एम्प्टी क्यों हुआ वाला? ये नॉन एम्प्टी इसलिए हुआ है कि हम ये बात साबित कर चुके हमें कि बी माइनस ए टाइम एक्स की जगह माइनस बी का मोड, ये जो नंबर बना इसको हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो प्रूफ कर दिया हुआ है. लिहाजा ये नंबर सेट ए में शामिल है, इसलिए सेट ए जो है ये
नॉन एम्प्टी है। चलिए जी, नॉन एम्प्टी हमने इसका प्रूव कर लिया। अब वही बात जो मैं पहले कर चुका हूँ, थोड़ा सा डिटेल से दोबारा बता देता हूँ आपको। ये नॉन एम्प्टी है मतलब एक अंदर कुछ ना कुछ है, ये एम्प्टी नहीं है। अब इसके अंदर क्या पड़ा होगा, नेगेटिव नंबर तो इसके अंदर है ही नहीं, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज इसके अंदर है नहीं, इंटीजर्स बड़े हुए और नेगेटिव नहीं है, तो मतलब जीरो हो सकता है इसके अंदर या जीरो से बड़ा नंबर हो सकता है। यानी ये बन गया सेट W यानी होल नंबर्स का सबसेट। लाजमी बात है इसका आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलना ही मिलना है। सेट W क्या होता है भला, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सेट W क्या होता है भला, सेट W होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मैं ये नहीं कहता कि एक अंदर ये सारी वैल्यूज बड़ी हुई हैं, मैं ये कहता हूं ए जो है इसका सबसेट है, ए है सेट W का सबसेट। तो बीइंग द सबसेट ए के अंदर क्या हो सकता है, हो सकता है ए के अंदर जीरो हो सकता है ए के अंदर वन ना हो सकता है टू हो सकता है थ्री ना हो, फोर ना हो, फाइव ना हो, सिक्स ना हो, टेन हो एंड सो ऑन। भाई जो नंबर पड़े होंगे लेने तो हमने यहां से, चाहे सेट ये फाइनाइट है चाहे सेट ये इन्फिनिट है, इसका आपको सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो कि इस वक्त नजर आ रहा है वो क्या है, जीरो, आपको मिल जाना है। अगर फर्ज कर ले जीरो इसके अंदर नहीं है, चले फर्ज कर लिए टू भी इसके अंदर नहीं है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये भी सारी वैल्यूज इसके अंदर नहीं है, कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना, फर्स्ट वैल्यू इसके अंदर जो मौजूद होगी, तो वो जो फर्स्ट वैल्यू इसके अंदर मौजूद होनी है, नॉन एम्प्टी ये है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू इसके अंदर होनी है वही है हमारा इस सेट का क्या जी, लीस्ट एलिमेंट। फर्ज कर लेंगे सेट के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 15 है, उसके बाद 27 है, हमें नहीं पता कि सेट के अंदर कौन सी वैल्यूज हैं, लेकिन जब भी स्टार्ट करेंगे एक पहली वैल्यू तो उसके अंदर आनी ही आनी है, वही क्या है इस सेट की लीस्ट वैल्यू। हम उसी एलिमेंट की बात करेंगे कि यार ये W का सबसेट है लिहाजा इसका लीस्ट एलिमेंट लाजमी मिलना है, उस लीस्ट एलिमेंट को मैंने क्या नाम देना है, आर का। और वो जो लीस्ट एलिमेंट मिलना है वो किसकी मदद से मिलना है, डेफिनेटली मैंने इसी एक्सप्रेशन में एक्स की जगह कोई नंबर, कोई इंटीजर पुट करना है तो वो मिलना है वो लीस्ट एलिमेंट। और वो जो इंटीजर मुझे मिलना है जिसकी वजह से ये लीस्ट एलिमेंट बन रहा है वो क्या होगा जी, उसको नाम दे दूंगा मैं क्यू का। इज दैट क्लियर। चलें जी, ये जो स्टोरी मैंने आपको बयान की है, इस स्टोरी को अब थोड़ा सा यहां पर इन वर्ड्स लिख देते हैं। ये क्या है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट है W का। बीइंग द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द होल नंबर्स W जी, तो हमने इस बात को लिखना है जो हमने अभी स्टोरी एक क्रिएट की है, उस स्टोरी को बस थोड़ा सा लिख देना है यहां पर वर्ड्स बनाकर अच्छे से। क्या लिखें जी, बीइंग द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, जिस लीस्ट एलिमेंट की मैं बात कर रहा था उसको मिनिमल एलिमेंट भी बोलते हैं, लीस्ट लिख लें या मिनिमल लिख लें एक ही बात है, मिनिमल। तो मैंने नाम भी दे दिया है उसका, मिनिमल एलिमेंट मिलना है और उस मिनिमल एलिमेंट को मैंने क्या नाम दे दिया है, आर का नाम दे दिया है। और अब मैंने ये लिखना है, मैं बोल चुका था पहले, अब मैंने ये लिखना है कि आर किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स में से सबसे छोटे वाला एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट बना है ये किसकी हेल्प से बना है, ये इसकी हेल्प से बना है कि मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट करना है एक्स, चूँकि वो खास नंबर आर हमें मिला है, एक खास नंबर इंटीजर होगा जिसको इसमें पुट करके इसको सॉल्व करने से आर बना है, लिहाजा उस खास इंटीजर को मैं क्या नाम दूंगा, मुझे नहीं पता कि वो खास इंटीजर कौन सा है, मैंने उसको एक खास नाम दे देना है, वो है हमारा क्यू जो हमने फाइंड करना था। तो इस बात को भी लिखना है हमने। नाउ आर बिलोंग्स टू ए, इट मींस आर किसके बराबर होगा जी, आर डेफिनेटली बराबर होगा बी माइनस ए, यहां पर एक्स था, उस एक्स की जगह जाहिर है कोई खास इंटीजर पुट करने से ये खास नंबर मिलना है, उस खास इंटीजर को क्या नाम दे दिया मैंने, क्यू का। फॉर सम क्यू बिलोंग्स टू जी, तो ये जी आपको क्यू मिल गया, आपको आर मिल गया, इस तरीके से मिल गया कि आर बराबर हो गया बी माइनस ए क्यू के, और यहां से बी बराबर हो जाएगा ए क्यू प्लस आर। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इस सेट के अंदर जो b माइनस ax टाइप के एलिमेंट्स लिए थे,
इनको लेने की रीजन ही सिर्फ इतनी थी कि मैंने बी को प्रूव करना था ए क्यू प्लस आर के, ये मुझे मिल गया आर, ये मुझे मिल गया क्यू। अब जो दूसरी बात मैंने साबित करनी है वो क्या बोला, वो ये साबित करनी है कि आर जो है ये जीरो या जीरो से बड़ा है लेकिन ए से हमेशा छोटा है, ये बात मैंने प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसको क्लेम के तौर पर लिख लेता हूं। अगला हमारा टारगेट ये है कि हमने साबित करना है कि जो एलिमेंट आर है ये जीरो या जीरो से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, इस बात को हमने चेक करना है। तो इसका जीरो या जीरो से बड़ा होना तो बहुत ऑब्वियस है। ऑब्वियस क्यों है भला, क्योंकि ये आर जो एलिमेंट है ये कहाँ से लिया हुआ हमने, ए से लिया हुआ है। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हमने रखे कौन से हुए थे, डेफिनेटली वो जीरो या जीरो से बड़े एलिमेंट्स ही रखे हुए थे, इंटीग्रल वैल्यूज ली हुई थी ना। स्टार्ट में कह दिया था कि जो सेट ए है यहीं से हमें आर मिला और ये वो नंबर थे एक्स वो इंटीजर्स पुट करने थे जिनको इन पर पुट करने के बाद ये आंसर जो है जीरो या जीरो से बड़े आए। आर चूँकि यहीं से है एलिमेंट तो आर भी क्लियर है कि वो जीरो या जीरो से बड़ा है। सिंस आर बिलोंग्स टू ए देयरफॉर आर इज बिगर देन और इक्वल टू जीरो, ये बात तो क्लियर होगी कि आर जीरो या जीरो से बड़ा है। साबित करने को जो है वो क्या बोला, वो आर को लेस देन ए साबित करना है। अब R को लेस देन A साबित करने के लिए हम उलट चल पड़ते हैं। सपोज करते हैं कि यार R जो है वो A से लेस नहीं है। सपोज R इज नॉट लेस देन A, हम सपोज कर लेते हैं कि R A से लेस नहीं है। अगर R A से लेस नहीं होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि R A से या तो होगा ग्रेटर या तो ए के होगा इक्वल। आर क्या होगा, आर ग्रेटर और इक्वल टू ए होगा अगर आर ए से लेस नहीं होगा। अब देखते हैं जी आगे क्या बनता है। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूं आर माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। डेफिनेटली अगर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, ए को इधर भेज दें नेगेटिव हो जाएगा, आर माइनस ए क्या बन जाएगा जीरो या जीरो से बड़ा। सबसे पहला काम मैं ये करता हूं, मैं इस नए नंबर को नाम देता हूं आर वन का। मैंने इस नए नंबर को R1 का नाम दे दिया। अब आप देख सकते हैं ये जो R1 है ये बराबर किसके है, R माइनस A, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है जीरो या जीरो से बड़ा। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं R1 और R का भी आपस में कोई रिलेशन है या नहीं। इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, R के बारे में देखें पहले, R कौन सा नंबर था, R एक जीरो या जीरो से बड़ा नंबर था यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर था, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसको भला, ए को। ए के बारे में क्या ख्याल है आपका, ए वही नंबर है जो हमें गिवन था और वो पॉजिटिव नंबर गिवन था, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये नॉन नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। अब जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका जो नंबर बनेगा वो आर से ग्रेटर होगा या आर से लेस होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर माइनस करोगे तो जवाब आपका छोटा आएगा, यानी ये बात साफ जाहिर है कि R1 जो है ये R से छोटा है। नोट दैट R1 स्ट्रिक्टली लेस देन R, क्योंकि R में से आप पॉजिटिव नंबर माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करने से ये नंबर बना R1, तो R1 क्या हो गया जी, वो R से छोटा हो गया। अब हम देखते हैं इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, अगेन आर माइनस ए ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, ये नंबर बेसिकली किसके बराबर वाला, आर वन के बराबर था। आर वन को सॉल्व करते हुए आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर था किसके बराबर, आर के बारे में हमने ये फाइंड किया हुआ आर बराबर था बी माइनस ए क्यू के बराबर, तो आर की जगह बी माइनस ए क्यू पुट कर देते, ये आ गया जी माइनस ए और ये क्या है जी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप देखें आर वन बराबर किसके हो गया भला, बी माइनस, अगर आप माइनस ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस ए इंटू क्यू प्लस वन, और ये नंबर जीरो या जीरो से बड़ा है। अब और करते जाए आर वन किसके बराबर हो गया, बी
माइनस ए एक्स, मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ। एक्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये क्यू प्लस वन, क्यू इंटीजर था तो क्यू प्लस वन भी क्या हो गया? इंटीजर हो गया। यानी ये वाला नंबर भी एक इंटीजर है, एक्स बिलोंग्स टू जी है। तो ये इस तरीके से जेड का नंबर है जिसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया ए के साथ और बी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर आपका जीरो या जीरो से बड़ा है। एग्जैक्टली किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए थे सेट ए में? सेट ए के अंदर ऐसे ही दो एलिमेंट्स पड़े हुए थे कि यहाँ पर आपने कोई इंटीजर लगाना है, इस तरीके से लगाना है कि बी माइनस ए एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। साफ नजर आ रहा है कि ये इंटीजर है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये जीरो या जीरो से बड़ी है और ये बराबर आर वन के है। साबित हो गया कि आर वन किस में शामिल है? ये भी सेट ए में शामिल है। आर वन सेट ए के अंदर शामिल है और आर जो है आर वन वो लेस देन है आर से, विद आर वन इज लेस देन आर। तो ये कुछ अजीब सी स्टोरी बन गई। आर वन ए का एलिमेंट है और आर वन लेस है किसे? आर से। आर क्या था? आर जो था ये सेट ए का मिनिमल एलिमेंट था, स्मॉलेस्ट एलिमेंट था, लीस्ट एलिमेंट था। तो इसका मतलब ये होगा कि R से छोटा एलिमेंट तो सेट A के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो ये क्या आ गई? ये तो आ गई कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन आ गई है किस बात पर आ गई है? कि R1 A के अंदर मौजूद है जबकि R1 R से छोटा है और R जो था वो मिनिमल एलिमेंट था सेट A का। तो ये आ गई आपके पास कंट्राडिक्शन। वेयर लिख दें, वेयर R वाज द मिनिमल एलिमेंट ऑफ ए एंड दैट्स अ कंट्राडिक्शन। लिहाजा क्या होगा? वी मस्ट हैव आर इज लेस देन ए। दैट इज, ये बात भी साबित कर चुके थे कि आर जीरो या जीरो से ग्रेटर है और ये बात भी साबित कर दी कि आर ए से लेस है। यानी हमने दो इंटीजर फाइंड कर लिए, क्यू भी और आर भी, इस तरीके से कि बी बराबर है ए क्यू प्लस आर के, और जहां पर आर क्या है? आर क्या है? जीरो या जीरो से बड़ा है और ए से लेस है। इस बात को लिख लेते हैं, हमारे थ्योरम का ऑलमोस्ट जो है ना वो जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। हमने सिर्फ अब ये साबित करना है कि जो क्यू और आर है ये दोनों यूनिक इंटीजर्स हैं, इनके अलावा कोई और चॉइस हमारे पास नहीं होगी जिसके लिए ये जो रिजल्ट है ये वैलिड है। जी तो अब हमने क्या करना है? बस एक काम करना है, आखिरी काम, कि क्यू और आर जो हैं ये यूनिक है। जब कभी भी हम इस तरह का काम करेंगे यूनिकनेस शो करने वाला, जी तो जब भी हम यूनिकनेस वाला काम करेंगे किसी नंबरों के लिए कि ये यूनिक हैं, तो हम ऐसा किया करेंगे कि दो हम सपोज किया करेंगे कि यार इनके अलावा कुछ और इस टाइप के नंबर या इंटीजर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो हम सपोज करते हैं Q1 एंड R1 हमारे पास दो और भी इंटीजर्स हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या होगा जी? देन आप देख सकते हैं ये भी ए क्यू प्लस आर भी बी के बराबर है और ए क्यू वन प्लस आर वन भी बी के बराबर है, तो हम इन दोनों को बराबर पुट कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। देन क्या होगा जी? ए क्यू प्लस आर बराबर हो जाएगा ए क्यू वन प्लस आर वन के। आप देख सकते हैं कि यहां तो मैंने कह दिया कि ये दोनों नंबर बी के बराबर हैं, तो ये बी के बराबर मैंने इनको पुट कर दिया। अब यहां पर एक आर है एक आर वन है, ये दोनों नंबर ही जीरो और ए के दरमियान में, आप देख सकते हैं ये दोनों नंबर जीरो से बड़े हैं या जीरो हो सकते हैं लेकिन ए से हमेशा छोटे हैं। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता, हो सकता है जो आर है वो आर वन से ग्रेटर हो, हो सकता है आर आर वन से लेस हो। अगर तो भैया आर आर वन से ग्रेटर होगा तो इन दोनों का डिफरेंस यानी आर माइनस आर वन क्या होगा जी? पॉजिटिव ही होगा। अगर तो R लेस होगा R1 से
तो फिर क्या होगा, आर माइनस आर वन क्या होगा, वो नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेके ये बात सोचे बगैर कि r और r1 में से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, अगर मैं ये कह दूं कि r में से r1 को माइनस करें, अब जवाब चाहे नेगेटिव आए चाहे आए पॉजिटिव, मैं इनका मोड ले लूँगा तो आंसर हमेशा क्या होगा जी, आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि r माइनस r1 का जो मोड होगा ये जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है लेकिन a से हमेशा छोटा ही होगा। मैं दोबारा बता देता हूं, r और r1 दोनों नंबर्स 0 और a के दरमियान में है, इन दोनों का डिफरेंस r माइनस r1 वो नेगेटिव भी हो सकता था अगर तो r छोटा होता और r1 बड़ा होता, लेकिन अब r चाहे r1 से लेस हो चाहे r r1 से ग्रेटर हो, मैंने इन दोनों का डिफरेंस लेके मोड लगा दिया है, मोड हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। और a चूंकि पहले से ही पॉजिटिव नंबर था, इन दोनों ए से ये जो नंबर है ये छोटा ही होगा, उसकी रीजन ये है कि दोनों नंबर जो है वो इंडिविजुअली देखा जाए तो ए से छोटे थे, इन दोनों का डिफरेंस भी ए से छोटा ही रहना था। चले जी, यहां से हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस क्यू वन, ए क्यू वन को अगर इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दें, ए कॉमन लेने दो, ए क्यू माइनस क्यू वन बन जाएगा, और आर को उधर भेज दें तो क्या बन जाना था जी, आर वन माइनस आर। इसी इक्वेशन के दोनों तरफ मोड ले लेते हैं, क्या बन जाएगा जी, a इंटू क्यू माइनस क्यू वन का मोड इधर r1 वन माइनस आर का मोड। अब आपको बताया कि a तो पॉजिटिव नंबर था, a का मोड लिए या ना लिए उससे फर्क ही क्यों नहीं पड़ता, तो हम इसको लिख सकते हैं a मोड, और ये बन जाएगा, बल्कि इसको डायरेक्ट a जो कि पॉजिटिव नंबर था a का मोड लेने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का चूंकि डिफरेंस है q माइनस क्यू वन का मोड बन गया, और इधर r1 वन माइनस आर लिखें या r माइनस आर वन लिखें, बात एक ही है, हम मोड ले रहे हैं तो इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल रहनी है। तो इस नंबर के बारे में आपको अब है r माइनस आर वन का जो मोड है ये जीरो और जीरो से बड़ा है लेकिन a से छोटा है, ये बात लिख देते हैं यहाँ पर, वेयर r माइनस आर वन मोड ग्रेटर इक्वल जीरो है बट लेस देन ए है। तो इसका मतलब क्या है भला, अब ये नंबर जीरो और ए के दरमियान में है, मतलब ये वाला नंबर जीरो और ए के दरमियान में है, तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि ए इंटू क्यू माइनस क्यू वन इज लेस देन ए बट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये बात लिखी जा सकती है जी। हमारे पास ए इंटू क्यू माइनस क्यू वन का जो मॉड है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो और ए से लेस आ चुका है इस इक्वेशन और इस इनइक्वालिटी को यूज करते हुए। तो अब यहां से हम ए को थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं तीनों साइड से, ए चूंकि पॉजिटिव नंबर है, ख्याल रखिएगा इस बात का, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, जबकि नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी चेंज करती हो जाती है डिवाइड करते हुए या मल्टीप्लाई करते हुए। तो इस वक्त ए चूंकि पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे जी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, जीरो इज लेस और इक्वल टू क्यू माइनस क्यू वन एंड इट इज लेस देन वन, हम लिख सकते हैं कि ए जो था वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। अब आप देख सकते हैं जो क्यू माइनस क्यू वन का जो मोड है ये वन से छोटा है, जीरो से बड़ा है। जीरो और वन के दरमियान में कितने नंबर शामिल होते हैं, जीरो और वन के दरमियान में तो बहुत सारे नंबर शामिल होते हैं, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट नाइन, पॉइंट एट, पॉइंट सेवन फाइव, लेकिन यहां पर हम इन नंबरों की तो बात नहीं कर रहे, ये तो रियल नंबर्स हैं, हम बात कर रहे हैं किनकी जी, इंटीजर्स की। देखें क्यू भी इंटीजर था, क्यू वन भी इंटीजर था, इन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर होना है, मॉडल के आंसर भी इंटीजर ही होना है, और जीरो और वन, जीरो और वन के दरमियान में आपको पता है कोई भी इंटीजर मौजूद ही नहीं होता, ऐसा इंटीजर है ही कोई नहीं जो जीरो से बड़ा हो और वन से छोटा हो, तो एक ही पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि यहां पर इक्वालिटी है, इधर इक्वालिटी नहीं है, अगर इधर भी इक्वालिटी होती तो ये नंबर वन के बराबर लिया जा सकता था, क्योंकि इधर इक्वालिटी नहीं है मतलब ये नंबर वन से छोटा है, जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा है, लेकिन अब जीरो और वन के दरमियान वाले जो नंबर हैं वो तो रियल नंबर हैं, वो तो इंटीजर हो ही नहीं सकते, तो वी मस्ट हैव, क्या लिखेंगे जी, वी मस्ट हैव q माइनस क्यू वन मॉड इज इक्वल टू जीरो, रीजन लिख दें आप, क्योंकि q माइनस क्यू वन जो है क्या है जी, इंटीजर है।
तो अब Q-Q1 का मोड जीरो हो चुका हुआ, इसका क्या मतलब है? ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो हो? अगर नंबर नेगेटिव होगा तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। एक ही सूरत है, एक ही कंडीशन है, वो नंबर जीरो होगा तो ही उसका मोड जीरो होगा। लिहाजा आपके पास एक ही ऑप्शन है कि Q-Q1 क्या हो गया, जीरो। और यहां से आप देख सकते हैं कि Q को हमने Q1 के बराबर साबित कर दिया है। आपने जो एलिमेंट्स लिए थे Q1 और R1, ये जो इंटीजर्स लिए थे इनके लिए आपने साबित कर दिया कि जो क्यू वन है वो Q के बराबर ही है। अब क्या रह गया साबित करने वाला? अब ये रह गया साबित करने वाला कि जो R है वो भी R1 के इक्वल ही है। तो आप किस चीज का यूज करेंगे? अब आप इस इक्वेशन का दोबारा यूज कर लें। इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन वन का। अब इक्वेशन वन का इस्तेमाल कर लें। इक्वेशन वन विल इंप्लाइज दैट a इंटू, चूंकि क्यू क्यू वन के बराबर है लिहाजा आप Q1 की जगह भी Q पुट कर दें तो इधर R1-R बन जाएगा। और Q-Q अब यहां पे यूज कर लें क्योंकि हम साबित कर चुके हैं कि Q-Q1 के बराबर है, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू R1-R, यानी कि R1 इज इक्वल टू R, ये भी साबित हो गया। तो R1 आपका R के बराबर हो गया, Q1 आपका Q के बराबर हो गया। आपने देखा कि अगर हम दो डिफरेंट इंटीजर्स Q1 और R1 लेने की कोशिश करते भी हैं तो उनमें से जो Q1 है वो Q के बराबर आ जाता है और जो R1 है वो R के बराबर आ जाता है। लिहाजा ये बात साबित होगी कि जो Q और R हमारे पास इंटीजर्स थे वो यूनिक हैं।